आज मैं आपको चौदह कक्षा के 14 पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। 14 पाठ का नाम है लकलची कौवा। लकलची कौवा मीन्स एग्रीगेटर प्रो। हम हमारे जीवन में कभी कभी काम अच्छे से करना चाहिए, किसी भी किसी को भी नकल करना नहीं चाहिए। वो लकलची करने से कैसे कैसे तकलीफें आते हैं वो सब हम इस पाठ में देखते हैं। एलिमिनेटेड क्रो। सो वी आर गोइंग टू नो द प्रॉब्लम्स दैट विल कम व्हेन वी डू इमिटेट। सो बच्चों आप सब लोग अपना पाठ अपना किताब देखिए, मेरे साथ देखिए। एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। Once upon a time, there was a Garuda. He lived on the high peak of the mountain. उसी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। There was a big tree on the foot of same mountain. उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। A crow lived by nesting on the tree. एक दिन तलहटी में कुछ बेड़े चल रही थी। One day, some sheep were grazing in the foothills. गरुड़ की नजर एक मेमने पर पड़ी। गरुड़ा looked at a lamb. वह पहाड़ की चोटी से उड़ा। He flew off the top of the mountain. तलहटी में आकर उसने मेवड़े पर झपट्टा मारा। Coming into the foothills, he pounced on the lamb. उसे जंगल में लेकर उड़ते हुए वह फिर से अपने घोंसले में लौट आया। Taking him into the clutches, he returned to his nest again. जंगल में लेकर उड़ते हुए वह फिर से अपने घोंसले में लौट आया। गरुड़ का यह पराक्रम देखकर कौवे को भी जोश आ गया। Seeing this power of Garuda, the crow also excited. उसने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। If Garuda can do this, why can't I? दूसरे दिन कौवे ने भी एक मेमने को तलहटी में चरते देखा। The other day, the crow also saw a lamb grazing in the foothills. उसने भी उड़ान भरी। He too flew as high as he could in the sky. चला गया। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपट्टा मारा। Then he snapped loudly like Garuda to catch the lamb. मगर मेमने तक पहुंचने के बजाय वह एक चट्टान से जा टकराया। But instead of reaching for the lamb, he hit a rock, his head explodes and he dies. उसका सिर फूट गया और उसके प्राण निकल गया। His head explodes and he dies. So the moral of the story is, don't imitate others, be yourself. So इस कहानी का नीति क्या है? हम कभी भी किसी को नकल नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या क्या तकलीफें आते हैं इस कहानी में हम सब सुने थे। आओ अब आपको कठिन शब्द बताते हैं। कठिन शब्द पहाड़, गरुड़, तलहटी, नजर, घोंसला, आसमान, ठकराया, सिर। अगेन रीड चिल्ड्रन। पहाड़, गरुड़, तलहटी, नजर, घोंसला, आसमान, ठकराया, सिर।
कव्वे ने गरुड़ को मेमने को चंगुल में उड़ते देखा। कव्वे ने गरुड़ को मेमने को चंगुल में उड़ते हुए देखा था। तीसरा प्रश्न, कौवा मेमने पर क्यों झपटा? कौवा मेमने पर क्यों झपटा? इसलिए कौवा मेमने को जंगल में उठाने के लिए झपटा। गरुड़ को मेमने को उड़ते देखकर कौवे को भी जोश आ गया था, इसलिए कौवे भी गरुड़ की तरह करने के लिए वो भी मेमने को जंगल में उठाने के लिए झपटा। कौवा किस चीज से टकराया? कौवा किस चीज से टकराया? कौवा एक चट्टान से टकराया। कौवा बहुत तेजी से उड़कर नीचे आते वक्त वो एक चट्टान से टकराया। विलोम शब्द इज ऑपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे को विलोम उल्टे शब्द होते हैं, इसलिए इसको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है ऊंची नीची, बड़ा छोटा। ऊंची नीची, बड़ा छोटा, ये आपका विलोम शब्द है, ये आपका भाषा ज्ञान है। धन्यवाद बच्चों। इन वाक्यों को जोड़कर लिखिए। पहाड़ की तलहटी में, तलहटी में एक बड़ा पेड़ था, इसको जोड़ना है। कौवे को भी क्या आ गया? जोश आ गया, उसने भी उड़ान भरी। ये सब मिलके अभी हम नीचे लिखना है। पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था, कौवे को भी जोश आ गया, उसने भी उड़ान भरी। अब लिंग बदलियो देखिए। लिंग बदल, गधा गधी, हाथी हाथिनी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, राजा रानी, गधा गधी, हाथी हाथिनी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, राजा रानी। बच्चों एक बार आप अपने किताब ओपन करो और देखो मैं क्या पढ़ रही हूँ, वो सब ध्यान से सुनो। एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपनी घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़े चर रही थी। गरुड़ की नजर एक मेमने पर पड़ी, वह पहाड़ की चोटी से उड़ा। तलहटी में आकर उसने मेमने पर झपट्टा मारा। उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए वह फिर से अपने घोंसले में लौट आया। गरुड़ का यह पराक्रम देखकर कौवे को भी जोश आ गया। उसने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दूसरे दिन कौवे ने भी एक मेमने को तलहटी में चरते देखा। उसने भी उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपट्टा मारा, मगर मेमने तक पहुंचने के बजाय वह एक चट्टान से जा टकराया। उसका सिर फूट गया और उसके प्राण निकल गया। आप भी पढ़िए बच्चों ये कहानी। धन्यवाद।